एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तीज यम्मी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो एक सिंपल सी छोले मसाले की रेसिपी है, बट उसको मैं अपने तरीके से अपने थोड़ा स्टाइल में बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक बाउल छोले लिए थे जिसे मैंने वॉश करके पानी में ऑलरेडी सोक करके रखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम बॉइल करेंगे। तो पर उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक मसालों की पोटली बनाएंगे जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर और एक फ्लेवर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा लिया है, दो मैंने बड़ी इलायची ली है, 5 से 6 मैंने लौंग लिए और 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्च के लिए, और यहाँ पर मैंने छोटा छोटा 2-4 दाने आंवला, ड्राई आंवला लिया है। तो इसको भी हम अपनी पोटली में डाल देंगे। साथ में हमारी जाएगी इसमें 2 टीस्पून में इसमें चाय की पत्ती डाल रही हूँ फॉर कलर, तो ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब हम इस पोटली को टाई कर देते हैं और ये हमारे छोलों के साथ जाएगी बॉईल होने के लिए। ये इसको एक अच्छा फ्लेवर भी देगी और एक अच्छा कलर भी देगी। सो अभी हमारी पोटली जो है मसालों की वो रेडी हो गई है, तो हम अपने छोलों को बॉईल करने के लिए रखते हैं। यहाँ मैं प्रेशर कुकर में अपने छोलों को डाल रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इनका पानी वानी सब निकाल के ही रखा हुआ है। अभी मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ इसमें, साथ में हमारी पोटली भी जाएगी। इसको मैं अराउंड अभी और थोड़ा सा मैं डैश ऑफ ऑयल डाल रही हूँ ताकि जो हमारा छोलों का जो पानी है एक्सेस वो बाहर ना आए, तो इसके लिए मैं इसमें वो डाल दे रही हूँ। तो अभी इसको हम बस बॉईल करने को रखते हैं और इसको मैं 20 से 25 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल करूंगी। देन उसके बाद हम अपना मसाला रेडी करेंगे। तो अभी ये बॉईल होने जा रहे हैं, उसके बाद हम अपना बॉईल हो जाएंगे तो हम अपना मसाला भी रेडी करेंगे। जैसे कि अभी हमारे छोलों को बॉईल करते हुए 25 से 30 मिनट्स हो गए हैं, तो हम अपनी गैस को कर लेते हैं ऑफ। अब यहाँ पर हम कढ़ाई में अपना मसाला रेडी करने को रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस ऑन कर रही हूँ और मैं इसमें 2 टेबलस्पून के अराउंड मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। मैं मोस्टली अपने खाने को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तभी हमें मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं ना आ जाए। तब तक हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का टमाटर लिया है, एक मुट्ठी धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 2 इंच जिंजर का पीस लिया है, 8 से 10 कली मैंने लहसुन की ली है। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून जीरा को और 2 बड़ी इलायची को ड्राई रोस्ट करके रखा है। तो हम इन सब का एक पेस्ट बना लेंगे। हम इन सबका एक पेस्ट बना के रेडी करते हैं जिससे हमारा छोलों को में एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड करेगा। अभी हमारा जो ऑयल है वो गरम हो गया है, तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को बारीक चॉप करके रखा है, वो हम अपना ऑयल में डाल देंगे। अभी हमें इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसको हम लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए भूनते रहेंगे। इसमें करीब 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे इसको फ्राई होने में। मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी है, तो मैं इसे लो फ्लेम पर ही भूनूंगी। अभी हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हमने जो अपने मसालों का ये पेस्ट बना के रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम थोड़े से देर के लिए भूनते हैं। अभी मैंने गैस की जो फ्लेम है उसको हाई पे कर दिया है, साथ ही साथ इसमें हम अपने जो ड्राई स्पाइसेस है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून एंड 1.5 टीस्पून के अराउंड कोरिएंडर पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून में रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, पिंच ऑफ हल्दी में ले रही हूँ। मैं इसको मिक्स कर लेते हैं।
साथ इसको खटास देने के लिए मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर का यूज कर रही हूँ। मैं गरम मसाला इसमें इस स्टेज पे ऐड नहीं कर रही बिकॉज हमने अपने मसाले में भी थोड़ा गरम मसाला पीसा था, बड़ी इलायची और जीरा, तो गरम मसाला जो है हम लास्ट में बिल्कुल एंड में इसको ऐड करेंगे। अभी फिलहाल मैं अपने मसाले को अच्छे से भूनने के लिए रख देती हूँ लो फ्लेम पे, जब तक कि इसमें से ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। तो इसे हम ढककर पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। अभी हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो अब उसमें हम अपने जो छोले हमने बॉईल करके रखे हुए हैं हम उसको ऐड करेंगे। अपने छोले को खोलते हैं, देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया हुआ है, तो हम अपने छोलों को इसमें ऐड कर देते हैं। मैं इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं जो कुकर में जो एक्स्ट्रा वो लगा है इसको भी थोड़ा पानी डाल के इसमें निकाल लेती हूँ, और ये पानी जो है वो हम अपने छोलों में ऐड कर देते हैं। अब मैं इस छोलों को अराउंड 10-15 मिनट्स धीमी आंच में पकने दूंगी, और उसके बाद हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। अब इसको पूरी, भटूरे, रोटी, चपाती, नान, कुलचे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक काम करूंगी कि मैं अपने मैशर से थोड़ा सा छोलों को मैश कर लेती हूँ एंड में, जो नीचे नीचे के छोले हैं उससे क्या होता है कि जो एक छोले का ग्रेवी होता है वो बिल्कुल एक लग जाता है, तो बस मैं नीचे नीचे के छोलों को मैश कर लेती हूँ। थोड़े साबुत भी रहेंगे और थोड़े से मैश हो जाएंगे। देखिए मैश करने से इसमें कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है। बस अभी से हम थोड़ा धीमी आंच पे लो फ्लेम पे कुक करेंगे फॉर 10-15 मिनट्स। एक बार बीच में भी आप इसको थोड़ा स्टर कर लीजिएगा ताकि ये तले ना लगे। तो मैं इसको अभी ढक देती हूँ और 10-15 मिनट्स के लिए मैं इसे सेम आंच पर कुक करती हूँ। हमें इस छोलों को कुक करते हुए 10-15 मिनट्स हो गए हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे छोले बिल्कुल तैयार है बनके, इसमें कितना अच्छा कलर आ गया, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। अब मैं क्या करूंगी, इसको लास्ट में मैं एक फ्लेवर और ऐड करने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें बाहर का कोई भी छोले मसाला वगैरह कुछ भी यूज नहीं करा है। जो भी गरम मसाला मैं यूज कर रही हूँ या जो मैंने आगे पेस्ट बनाया, सारा घर के ही मसालों का मैंने करा है। बाहर का छोले मसाला पैकेट वाला मैंने रेडीमेड मसाला कुछ भी यूज नहीं करा है। बस हमारे छोले बनकर रेडी है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कोरिएंडर लीव्स, इसको हम क्विक मिक्स दे देंगे और हमारे छोले बनकर तैयार है। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। बस हमारे छोले पूरी, चपाती, नान, रोटी किसी के भी साथ खाने के लिए, राइस के संग भी, आप जीरा राइस के संग भी इसे खा सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। इसको मैं थोड़ा गार्निश करूंगी अपने जिंजर जूलियंस के साथ। और कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, इसमें बाहर का कोई भी मसाला यूज नहीं करा गया है, और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।